आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं निकला गड्डी लेके, ऐसा गाना गाते सनी देओल 500 करोड़ कब के लेकर चले गए। मतलब इंस्पिरेशनल एक्शन स्टार ने दिखाई दिया कि बॉलीवुड में देओल्स क्या चीज है। वैसे सक्सेस पार्टी मनाना, सबको इनवाइट करना, ये तो प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट है। पर एक चीज जो हमने महसूस की वो है, सनी हो, अमीषा पटेल हो, डायरेक्टर अनिल शर्मा हो, इनकी हंसी के पीछे एक ही बात होती है कि अरे बॉलीवुड वालों हमें अंडरएस्टिमेट करने का नतीजा देखा क्या, देखा। वैसे देओल खानदान से बिलोंग करने के बावजूद भी सनी का करियर भी धक्के खा चुका है। कई बार कुछ बॉलीवुड माफियाज ने उनके करियर को खराब करने की कोशिश की और तब अंडरवर्ल्ड का भी राज था जिससे सनी डरे नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र उनके पीछे थे। पर फिल्म से निकालना, पॉलिटिक्स करना, ये सब सनी के केस में हुआ और एंगर इश्यूज की वजह से। अरे ये तो प्रोफेशनलिज्म नहीं जानता, ये लड़ता रहता है, माहौल खराब करता है, ऐसी इमेज बन गई। एक पॉइंट पर सनी को अपने हिसाब की स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। ऊपर से वो नेटवर्किंग या रिलेशंस बनाने में माहिर नहीं है, उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री में दोस्त शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो बॉबी देओल को भी लॉन्च करना चाहते थे तब सबने अपने असली रंग दिखा दिए और गदर फिल्म को उस टाइम पे गटर कहकर मजाक उड़ाया और वो इजली टारगेट हुए। अब अनिल के साथ उनका गहरा रिश्ता इसलिए है क्योंकि तब कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे जिनके साथ अनबन होती गई, कास्टिंग में छेड़छाड़ होती गई और उस दौर में खान्स का राज शुरू हुआ तो फेवरेटिज्म होने लगा, जो आदित्य चोपड़ा भी करते थे। पर इन सब का बदला उन्होंने गदर 2 से ले लिया है और गदर 3 बनाने के लिए अब वो ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहते। उनका कहना है कि देओल्स को इंडस्ट्री में रास्ता बनाना पड़ता है, लोग हमें आगे आने नहीं देते। अब गदर 2 से उन्होंने रास्ता बना लिया और अपने सक्सेस का करिश्मा लोगों को बुला बुला कर दिखा रहे हैं। पर गदर 3 जब बनेगी तब भी ये करिश्मा बरकरार रखने का सबसे बड़ा काम सनी को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्स उनके भरोसे बनाया जा रहा है। गदर 2 हिट हुई, इसका मेन रीजन तारा सिंह है, पर गदर यूनिवर्स को बनाने के लिए आगे कब तक सनी ऐसे ही काम करते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अनिल भले ही अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा के साथ ये यूनिवर्स बनाने के लिए एक्साइटेड है, पर अगर एक पॉइंट पर सनी इस यूनिवर्स से हट गए ना तो लोग और इंडस्ट्री वाले फिर से मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि गदर 3 के बाद इस यूनिवर्स को आगे ना बढ़ाया जाए। पर क्या साउथ वालों के साथ अनिल हाथ मिला सकते हैं क्या, या उन्हें एंट्री मिल सकती है? तो उनकी नजर में जूनियर NTR एक ऐसे एक्टर हैं जो तारा सिंह के लेवल पर काम कर सकते हैं। बाकी बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो सनी को रिप्लेस करे, पर अभी के लिए तो ये सिर्फ सनी के भरोसे ही है क्योंकि अनिल किसी दूसरे एक्टर के साथ काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि सनी के सिवाय वो हिट फिल्म नहीं दे सकते। एक बार उन्होंने सलमान खान के साथ वीर फिल्म बनाई पर वो भी डब्बे में चली गई, पर वो अंडररेटेड डायरेक्टर की लिस्ट में फिर से नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो गदर 3 में ही इतने तड़के लगाएंगे कि एक फिल्म 10 के बराबर होगी। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।